कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल पहुंचे आपदा ग्रस्त धारचूला। डीएम और एसपी के साथ मंत्री ने की बैठक, संबंधित अधिकारियों को दिए अहम दिशा निर्देश। खटीमा गोलीकांड की 26वीं बरसी आज। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि, शहीदों को नम आंखों से किया याद। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का फूका पुतला, कांग्रेस ने महंगाई कम करने की मांग। लालकुआ में परिवर्तन यात्रा को लेकर कांग्रेस की बैठक, कार्यक्रम की सफलता की रूपरेखा तैयार, कांग्रेस नेता हरेंद्र बोरा ने बीजेपी को घेरा। नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड लाइव में, मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल धारचूला पहुंचे। बिशन सिंह चुफाल ने जिलाधिकारी आशीष चौहान और पुलिस अधीक्षक सुखबीर सिंह और अन्य सभी विभागों की आपात बैठक ली। बिशन सिंह चुफाल ने ब्लॉक प्रमुख धारचूला धन सिंह धामी के गृह क्षेत्र में आई आपदा और मृत्यु हुए लोगों की जानकारी ली। साथ ही धारचूला में शिशु मंदिर और एलधारा के पीड़ितों की भी जानकारी ली। सभी विभागों को तत्काल जिम्मेदारी लेने के भी निर्देश दिए गए। पॉलिसी बनी है, अभी हमने इस समय 29 गांव को, हमने इस समय धारचूला के ही लेके 29 गांव को पुनर्वास किया है पॉलिसी, और ये गांव भी यदि अभी रिपोर्ट आ जाएगी, भोगी रिपोर्ट आ जाने के बाद इनको भी हम पुनर्वास करेंगे, इनको भी अलग से शिफ्ट करने की कार्रवाई करेंगे। एक सितंबर 1994 का वह दिन आज भी हर उत्तराखंडी के जहन में ताजा है। तब पुलिस ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी थी। खटीमा गोलीकांड की आज 26वीं बरसी है। इस तारीख के आते ही आंदोलनकारी और उनके परिजनों का दर्द भी छलकता है। राज्य निर्माण के लिए आज के दिन 7 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। राज्य निर्माण के लिए शहादत देने वालों को याद करते हुए कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि खटीमा में जहां राज्य आंदोलनकारियों को गोलियों का सामना करना पड़ा, खासतौर पर महिलाओं को इस घटनाक्रम से गुजरना पड़ा, उसके लिए मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं। आज खटीमा कांड के बरसी के मौके पर मैं उन तमाम शहीदों को नमन करता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य की स्थापना के लिए, उत्तराखंड राज्य के निर्माण के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। मैं उन तमाम आंदोलनकारी भाइयों को भी धन्यवाद कहना चाहता हूं, और प्रदेश के हित में उन्होंने संघर्ष कर, खून पसीना बहाकर ये जो हमारा नवोदित राज्य उत्तराखंड प्राप्त किया। देखिए, उधम सिंह नगर के खटीमा में जहाँ राज्य आंदोलनकारियों को गोलीकांड का सामना करना पड़ा, विशेषकर उसमें महिलाएं, उनको इस घटनाक्रम से गुजरना पड़ा, निश्चित रूप से हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि उन आंदोलनकारियों का है, उन महिलाओं को है, और उनके कारण ही आज हमें अपना राज्य प्राप्त हुआ। पौड़ी गढ़वाल की विधानसभा यमकेश्वर के अंतर्गत PMGSY द्वारा बनी किमसार धारकोट से ती मलियाणी सड़क पर बीते 4 दिनों से हो रही लगातार बारिश के चलते मलबा आकर गिर गया, जिससे रास्ता पूरी तरह से बाधित हो गया। हमें अभी अभी सूचना प्राप्त हुई है कि धारकोट तिमलियानी मोटर मार्ग विगत 2-3 दिन से बंद पड़ा हुआ है। इसके संबंध में हमने संबंधित विभाग को निर्देशित कर दिया है कि वह तुरंत उस रोड को खुलवाए तथा जो अवरुद्ध मार्ग है उस पर यातायात सुचारू रूप से चलाए, ताकि आम जनता को परेशानियों का सामना न करना पड़े। देखिए, किमसार मोटर मार्ग पिछले 3 दिनों से बंद है। भारी बरसात हुई, सड़कें टूट गई,
मामला विधायक के संज्ञान में है, पीएमजीएसवाई के संज्ञान में है, पीडब्ल्यूडी के संज्ञान में है, सरकार के भी संज्ञान में है कि गंगा भोगपुर से लेकर किमसार के बीच में यातायात ठप होने के कारण वहाँ पर रसद नहीं पहुँच पा रही है, आम जनता परेशान है। दुख की बात यह है कि ना तो सरकार संज्ञान ले रही है, ना विधायक संज्ञान ले रहे हैं, ना विभाग। वही जोशीमठ में भारी बारिश के चलते मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है, जिसके चलते अब सीमांत क्षेत्र में ठंडक ने दस्तक देनी शुरू कर दी है। पौड़ी से एक बीजेपी नेता की गंदी करतूत सामने आई है। आपको बताते चले कि एक गांव की महिला को एक बीजेपी नेता लगातार रूप से फोन पर परेशान कर रहा है। महिला ने कई बार इसकी शिकायत वरिष्ठ नेताओं से की है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। चलिए आपको सुनाते हैं बीजेपी नेता और महिला के बीच की बातचीत, सुनिए। मन के लिए मतलब मन मतलब मेरे समझ में नहीं आया तुम्हारी बात। मतलब मन के लिए मतलब क्या मतलब था? थोड़ा सा मन बैठो। अरे तो बैठो, जब भागवत खत्म हो जाए लीवे का बाद बैठ जाओ। क्या चूप वो कह रही है, मतलब क्या होटल कौन सा उल्टा काम करना था कि चोरी करना था कि रात ही ठीक से रात ही तो दिन हम भी ठीक से दिन हम भी बढ़िया चो। और क्या देखिए क्या वो कहना है मन तब रात ठीक है। देखो तब टाइम लग तो चुकी नहीं लगो तब अभी नहीं पक्का नहीं बोल सकता ना मैं क्या पता लगा उनकी मैं तभी बोलूँ जरा भागवत खत्म हो जानी तब देख लोगे का बाद। अरे तो यार ऊपर उजल रहा हूँ तब कई लोग तो अरे तो वो बुन जाओ लोग होते कि लोग होते डर लगी हमते ठीक है रात ही ठीक है। अरे रात ही तब फिर कबर क्या पता या जानी ना बच्चा लोग सीनो की ये मत चंदी और बोलियो ना तुम आज मना कर दियो ना। अरे तो मुंह भी तो जगह जुगा तब नहीं ना बच्चों की तुम मना कर दियो ना। वो आजकल वो यानी ना चंदी और यानी सीनो कोने मना कर दियो ना। अरे तो मना करने के कारण तब बोला ताई खिला भूनी मना तब कहीं ऊँची ना मुंह भी परेशानी जगह नहीं ना तब मेरे भूखा हमारे भीतर खाली चिंता ऊपर तब जाम लोग रहने ना उजल हम तब कई बात छे। अरे उजल हम के बाद मतलब आप कई कई बात छे तब लोग ना 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 तनुनी ना ना तनुनी। चारधाम यात्रा को खोलने की मांग को लेकर जन आंदोलन ने रफ्तार पकड़ना शुरू कर दी है। बद्रीनाथ धाम में आज से साधु संत की ओर से बाबा मौनी महाराज भी बैठ गए हैं। मौनी बाबा महाराज की मांग है कि सभी को भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने की अनुमति मिले। हमारा दर्शन शुरू कर रहे हैं। हमारी मांग ये है कि बद्रीनाथ जी का दर्शन करने के लिए खोला जाए, क्योंकि पहले भी मैंने मई में अनशन किया था 23 मई से लेके 7 मई तक। उस समय प्रशासन हमको बोला था कुछ समय हमको टाइम दो, मैं स्थानीय निवासियों के लिए स्थानीय संतों के लिए हम खोल देंगे। कुछ समय का अर्थ होता है 2.5-3 महीना गुजर जाने के बाद हो गया। 2.5-3 महीना होने के बाद मजबूरन हमको अमर अनशन करना पड़ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट कोई सुनवाई नहीं कर। वही देहरादून के रानी पोखरी में सड़क का पुल टूटने से आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर आक्रोश जताया। कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज के दफ्तर को घेरने की कोशिश की। वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को रोक दिया और कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की तैयारियां शुरू हो चुकी है। सभी पार्टियां नए नए तरीकों से वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रही है। और इसी कड़ी में उत्तराखंड के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष तिलक राज बेहड़ ने किच्छा में परिवर्तन यात्रा शुरू होने की बात कही, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। पूरे उत्तराखंड
जो प्रदेश में भाजपा की जो नीतियां विफल रही हैं उसके जो 2022 में हमने चुनाव लड़ना है ये उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 2022 में कांग्रेस पार्टी इस प्रदेश के युवाओं की महिलाओं की लड़ाई को मजबूत करने के लिए अभी से कमर कस चुकी है और पिछले साढ़े चार साल जो हैं भाजपा सरकार के मतलब बहुत ही निराशाजनक गए हैं। चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम इसमें जोड़ें और खासकर से महिलाओं को हम जोड़ेंगे और चार हो यार बच्चे बच्चे का सो तो करेंगे तुम तो बोल दो अरे तुम तो बोल दो भाई जाएंगे तुम तो बोल दो भैया बड़े वाले को बता के आप भी अपना विचार दे रहे हो जितने भी ज्यादा हो सकेंगे वो भी हम करेंगे और एक निवेदन मैं शहर के जितने हमारे गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर आए हुए हैं पूरा तो निकलेगी तो मैं मानता हूँ 1000 आदमी से ज़्यादा हमारे शहर के आसानी से इकट्ठे हो जाएंगे तो शहर के जितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम इसमें जोड़ें और खासतौर से महिलाओं को। रुड़की के पिरान कलियर में जिला सहकारी बैंक ने 3 गेस्ट हाउसों को सील कर दिया है। तीनों ने वीरचंद गढ़वाली योजना के तहत लोन लिया था जिसको उनके द्वारा चुकाया नहीं गया। कलियर में कार्रवाई करते हुए जिला सहकारी बैंक बीटीगंज शाखा के प्रबंधक ओमबीर सिंह और नायब तहसीलदार सुरेशपाल सैनी ने बताया कि इन गेस्ट हाउसों ने वीरचंद गढ़वाली योजना के तहत 2008 में लोन लिया था। 2008 से लोन बकाया था, 2008 में दिया गया था और 2018 में पूरा होना था, लेकिन 2018 से लगातार बैंक इनके रिक्वेस्ट करने आते थे और प्रेशर भी बनता था भाई इनको जमा कर दिया गया, लेकिन इन्होंने कोई जमा करने में इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तब जाकर आरसी की गई तहसील में, तहसील द्वारा ये कार्रवाई की। एक तो सबसे बड़े जो थे यहाँ पर बकायादार पूरी तहसील के, उनकी कुर्की हुई है। उसके बाद दूसरे नंबर के थे, तीसरे नंबर के थे, तो ये बैंक के हमारे सब मैनेजर साथी हैं, ये बार बार इन्हें चेतावनी दी जा रही थी, उसके बाद भी ये बैंक का ऋण अदा नहीं कर रहे थे, तो इसमें तीनों सील किए गए हैं गेस्ट हाउस। बकाया राशि कितनी? बकाया राशि ये तो इस पर तो हमने 16,30,000 है जो अभी सील कराई है, दुआ है और दो शुरू की है जो सपक्कत है शायद उसमें 24 लाख है। हमेशा सुर्खियों में रहने वाली पंतनगर की गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी एक बार फिर से अपने कारनामों को लेकर सुर्खियों में है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में उप नियंत्रक पद पर तैनात कर्मचारी सत्य प्रकाश कुरील पर यूनिवर्सिटी का लगभग 12 लाख रुपए से अधिक का बकाया है। वह इस मामले में यूनिवर्सिटी के कुलपति द्वारा 1 साल पूर्व दिए कार्रवाई के आदेश के बाद भी कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई है। इस पे डिप्टी कंट्रोलर के पद पे यहाँ पे हैं ये SC कुरील जो है डिप्टी कंट्रोलर है यहाँ पे जो है, क्योंकि इन पे कई अनियमितताएँ हैं, जिस 2-3 अनियमितताओं को तो मैंने ही इसमें जो मैंने उजागर किया इनकी जो है, फर्जी TA बिल भी लिया इन्होंने जो है, इसी तरीके से इन्होंने आवास जो है एक समय में 2-2 आवास ले रखे थे सब जो है, और कर्मचारियों के यहाँ पे पहले दिनों से कटौती होगी, लेकिन इनका जब मैंने उजागर किया था RTA के द्वारा तो ये बहुत मजबूत अधिकारी अपने भ्रष्टाचार से संबंधित और बड़ा मजबूत अधिकारी अपने उसमें, और लूट खसोटी थी यहाँ पे चरम सीमा पे इनकी है। हाँ, ऐसा यूनिवर्सिटी में एक केस पेंडिंग है, वो इतना ही नहीं है, उसके पीछे काफ़ी लंबी हिस्ट्री है, क्योंकि वो दूसरी जगह बरसार में नौकरी करने के साथ लिंक्ड है। रिमेम्बर काफ़ी टाइम हुआ उसको केस को फाइल को, और वो अभी कंट्रोलर ऑफिस में जो कंट्रोलर हैं वही डील कर देंगे, वही एस्टेट्स के मालिक भी हैं, तो पैसा उन्होंने ही फाइनली लेना है। जोशीमठ की मलारी नीति घाटी के दर्जनों गांव में पिछले 2 हफ्तों से अधिक समय से बिजली आपूर्ति ठप है। पहाड़ों से लगातार भूस्खलन के चलते यह बिजली पोल लाइनें टूट गई है, जिसके चलते 1.5 दर्जन से अधिक गांव अंधेरे में डूब चुके हैं, और ऐसे में नीति घाटी में बिजली सप्लाई सुचारू करने के लिए बिजली विभाग के कर्मचारी किसी तरह अपनी जान जोखिम में डालकर बिजली लाइन ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तराखंड के दुग्ध विकास विभाग के तहत घसियारी कल्याण योजना का शुभारंभ होने जा रहा है, जिसमें तमाम महिला पशुपालकों को इस योजना का लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री घसारी कल्याण योजना की शुरुआत मैं समझती बहुत जल्द से जल्द होने जा रही है और संभावना ये है कि राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर जो है हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे और मैं कहूंगी कि हमारे डेयरी सेक्टर में जो हमारी दुग्ध सहकारी समितियां हैं वह इस योजना से बहुत अधिक जो है लाभान्वित होने जा रहे हैं क्योंकि इससे पहले यदि हम साइलेज के विषय में बात करते हैं पशुओं के चारे के विषय में बात करते हैं तो दुग्ध सहकारी समिति की जो महिलाएं हैं उनको वह चारा 80 kg के एक पैकेज में उनको मिलता है जिसके कारण से पहाड़ पर उसका ढुलान उसे वहां ले जाना जो है वो संभव नहीं हो पाता है। अगला मामला रुड़की के लिबरहेड़ी गांव का है जहां जमीनी विवाद के चलते एक पक्ष ने विवादित जमीन को चुपचाप तरीके से खरीद लिया और उस पर निर्माण भी शुरू कर दिया। बंटवारे का नंबर है गांव में जमीन है उसका 1/3 हिस्सा हमारे गांव के जाटों ने मोल ले लिया था। अच्छा। और उसका विपक्षी में जो हो अवैध कब्जा करना चाह रहे हैं उस पर बिना बंटवारे हमने बंटवारे का डाल रखा उनके लिए वहीं सही जब से उन्होंने लिया उसके बाद सही आपके हिस्से पे कब्जा करना चाह रहे हैं फ्रंट पर कब्जा करना चाह रहे हमने इसका हाँ विभाजन का डाल रखा कोई सुनवाई नहीं हो रही। कितने साल हो गए यहाँ 11 साल हो गए जी यहाँ चलते हुए। अच्छा। पे ऐसी ही स्थिति बनी रही यथास्थिति का आदेश SDM साहब का आदेश SDM साहब देंगे ये देंगे हम नहीं घुमाया जा रहा ये SDM साहब कभी उन्हें दे दे कभी हमें दे दे कभी उन्हें दे दे तीन तीन रिपोर्ट गलत है आ रही है ACO साहब से। दिक्कत ये है जी मेरा एक जमीन का विवाद चल रहा है गाँव के अंदर जिसे कुछ भूमाफिया लोग कब्जाना चाह रहे और कब्जवा कौन रहा कब्जवा रहे हैं अधिकारी लोग मुझे कुछ रिपोर्ट दे दें दूसरी पार्टी को कुछ और रिपोर्ट दे दें मेरे पिताजी के साथ इन्होंने इस तरीके से कर रिपोर्ट में परसों यहाँ मुकदमा झगड़ा करा दिया शनिवार वाले दिन। ठीक है जी हम यहाँ CO साहब चकबंदी ऑफिस के आए हैं तो ये SDM साहब को कह दें SDM साहब के पास जाओ तो मैं यूँ कह दें आप हमें कहानी मत सुनाइए बड़ी SDM साहब ने कल मुझे यह बात कही कि आप हमें कहानी मत सुनाएं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब। ठीक है जी हमारे पिताजी के साथ मारपीट करी गई इन्होंने मारपीट जब करी तो इनकी नाक की हड्डी टूट। रानी पोखरी के जाखन नदी पर टूटे पुल को लेकर अब प्रदेश में राजनीति गर्मा गई है। आज रानी पोखरी के पुल टूटने के मामले को लेकर आप कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और कार्यकर्ताओं ने रानी पोखरी के जाखन नदी पर टूटे पुल में PWD की अनियमितता और विभागीय मंत्री की लापरवाही के खिलाफ PWD मंत्री सतपाल महाराज का आवाज कूच किया। देखिए आज आप देख रहे हैं कि पिछले 5 साल में 32 पुल धराशायी हो गए और सैकड़ों पुल प्रदेश में जर्जर हो गए हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने बूथों को मजबूत करने में लगी है न कि इस प्रदेश के पुलों को मजबूत करने में। आज यूथ बिखरा हुआ है पूरा प्रदेश अस्त-व्यस्त है इनके अवैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो विकास उत्तराखंड का हो रहा है उसमें उस घटिया विकास में उस घटिया प्रबंधन में उत्तराखंड की जनता का टैक्स का जो पैसा है वो बर्बाद हो रहा है उसी के एवज में क्योंकि जो रानी पोखरी पुल आपने देखा होगा जिसके लिए पिछले दिसंबर 2020 में 40 लाख रुपए इसके मेंटेनेंस के लिए इसके बुनियाद के रखरखाव के लिए दिया गया था लेकिन 8 महीने बाद पुल भरभरा के गिर गया और इंतहा इस बात की है कि आप देख रहे होंगे स्थानीय जनता ने एक घंटे पहले प्रशासन को चेतावनी दे दी थी कि पुल धस रहा है आप ट्रैफिक रोकिए लेकिन प्रशासन ट्रैफिक रोकने में कामयाब। कांग्रेस राष्ट्रीय वक्ता गौरव बल्लभ ने देहरादून में केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय पहुंचे गौरव बल्लभ ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार राष्ट्रीय संपत्ति की लूट में जुटी है और अपने व्यवसायिक मित्रों को देश की संपत्ति को बेचने का केंद्र सरकार काम कर रही है। पड़ेंगे जब आप एकाधिकार का निर्माण कर लोगे हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि ये संपत्तियां किसके पैसों से बनी करदाताओं के पैसों से इन संपत्तियों को आप किसके हवाले कर रहे हो निजी क्षेत्र के हवाले वो ये भाड़ा चुकाने के लिए कहाँ से लोन लेंगे सरकारी बैंकों से तो वहाँ पे किसका पैसा लगा है करदाताओं का तो करदाताओं के पैसों से बनी संपत्तियों को आप करदाताओं के पैसों से अपने मित्रगणों को खरीदवा रहे हो और फिर उन्हीं संपत्तियों का उपभोग करने के लिए फिर करदाताओं को पैसा देना पड़े तो ये लूट नहीं है तो क्या है हमने ये सवाल पूछा है और हम कहते हैं इस पटल से कांग्रेस पार्टी और हिंदुस्तान का हर व्यक्ति प्रण लेता है कि ये देश हम नहीं बिकने देंगे। शिफन कोट संघर्ष समिति के संयोजक प्रदीप भंडारी ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और कहा कि मसूरी गोलीकांड की बरसी पर यहां आने वाले बीजेपी नेताओं को काले झंडे दिखाकर विरोध किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि 1 साल बीतने के बाद भी शिफन कोट के निवासियों को आवास नहीं मिल पाया है। कांग्रेस हमेशा से ही पूरे प्रदेश में पूरे देश में एक मजबूत और एक जिम्मेदार आपकी विपक्ष की भूमिका निभाती है उसी क्रम में या मसूरी में भी पिछले 1 साल से हमारी शिफन कोट की माताएं बहनें या बुजुर्ग बच्चे जिस पीड़ा जिस दर्द जिस कष्ट से गुजर रहे हैं इस आंदोलन में शहर कांग्रेस या कमेटी या प्रदेश कांग्रेस या कमेटी
उनका समर्थन करती है? देखिए, जो भाजपा बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ के नारा देती है, उस भाजपा सरकार ने और उनके भाजपा के जो विधायक मसूद गणेश जोशी जी हैं उनके नेतृत्व में एक साल पहले पहाड़ की माता बहनों को छोटी बच्ची। उपनगरी ज्वालापुर स्थित पॉश कॉलोनी में मगरमच्छ की दस्तक से हड़कंप मच गया। राजलोक कॉलोनी के नाले में मगरमच्छ देखा गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मौके पर भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने विभाग को मगरमच्छ की सूचना दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को काबू किया। हरिद्वार में अनियंत्रित कार ने तीन अलग अलग बाइक सवारों को भीषण टक्कर मार दी, जिसके बाद बाइक पर सवार महिला पुरुष हवा में उड़ गए। कार और बाइक के बीच हुई भीषण टक्कर की लाइव तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पौड़ी में देश और प्रदेश में बढ़ रहे रसोई गैस के दाम और महंगाई के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ब्लॉक प्रमुख के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट परिसर के पास जमकर प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार का पुतला भी फूंका। नहीं चलेगी। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि केंद्र में भाजपा सरकार हो या हमारी उत्तराखंड की सरकार अभी जो सत्ता में आई है, इन लोगों ने आम जनता से वादा किया था कि हम अच्छे दिन लेकर के आएंगे, हम महंगाई को कम करेंगे। लेकिन इसके विपरीत जैसे कि हम देख रहे हैं, अब जितना हम इन लोगों का विरोध कर रहे हैं कि महंगाई कम करो, ये उतने ही ज़्यादा महंगाई ये लोग बढ़ाते जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से मुख्य रूप से गैस की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है, और जब गैस की कीमतों में विशेषकर वृद्धि होती है तो आप ये समझिए कि एक आम परिवार का, गरीब लोगों का, महिलाओं का। लालकुआ में आगामी 4 सितंबर को प्रस्तावित कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा को लेकर नगर कांग्रेस कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें कार्यक्रम की सफलता की रूपरेखा तैयार की गई। वही बैठक में मौजूद कांग्रेस नेता हरेंद्र बोरा ने सूबे की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। वही उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा कुछ विधानसभाओं में प्रथम चरण में 3 तारीख से 6 तारीख तक के खटीमा से जो शहीदों का स्थल है हमारे, जिन्होंने जो है उत्तराखंड प्रदेश बनाने में जब वहाँ पर जिन्होंने बलि दी है, उनके बलिदान को जो है नमन करते हुए कांग्रेस पार्टी 3 तारीख को खटीमा से सितारगंज होते हुए ये यात्रा निकालने जा रही है। और मोदी सरकार की योजना गैस पाइपलाइन का उत्तराखंड के हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून में निर्माण कार्य चल रहा है। गेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा गैस पाइपलाइन बिछाने का काम किया जा रहा है, लेकिन डोईवाला में गैस पाइपलाइन बिछाने के दौरान क्षेत्र के लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा जो हमारी पाइपलाइन बिछाई जा रही है हरिद्वार से लेकर देहरादून तक पाया ऋषिकेश, उसकी जनसुनवाई यहाँ डोईवाला ब्लॉक में आयोजित किया गया, और इसमें जो है गेल इंडिया लिमिटेड के उच्चाधिकारी के साथ साथ जो ये गेल इंडिया वाले पाइपलाइन बिछा रहे हैं, अच्छा एक उनका वो है समाज के लिए, और हमारे जो समस्याएं गैस की थी उसके लिए अच्छा है कि इनका संदेश है, घर घर लाइन जो पहुंचा देंगे गैस की समस्या से, तो सिलेंडर से छुटकारा मिल जाएगा, ये तो इनका अच्छा कदम है। और दूसरी समस्या, जब ये विकास करते हैं तो थोड़ा बहुत विनाश भी होता है, इनके द्वारा जो लाइन खोदी जा रही है वहाँ पे गड्ढे हो जा रहे हैं सड़कों में, तो ये गड्ढों को प्रॉपर नहीं भर पा रहे हैं। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।